हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सन्नम्स किचन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भापा हिलसा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होता है। इसे ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम हिलसा फिश लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पीस हिलसा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक डाला है। नमक आपको अपने स्वाद के हिसाब से डालना है। और फिर मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट रख दूँगी ताकि थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। जब तक ये फिश मैरिनेट हो रहा था, तब तक यहाँ पर मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट में मैंने सरसों का बीज 2 टेबलस्पून डाला है, काला सरसों का बीज 2 टेबलस्पून डाला है, एक हरी मिर्च डाला है, खसखस 2 टेबलस्पून और नारियल का पेस्ट 3 टेबलस्पून डाला है। अब मैंने यहाँ पे एक लिड वाला कंटेनर लिया है और उसमें जो पेस्ट है उसको मैंने डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं जो मछली है वो उसमें डाल रही हूँ एक एक करके। मैं इन सब को थोड़ा सा मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ 3। मैंने हरी मिर्च को बीच से काट लिया है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल डालने के बाद मैं तेल को अच्छे से इन सारे मसाले और मछली के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इस कंटेनर का जो लिड है उसको कवर कर दे रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने पानी डाला है और फिर एक स्टैंड रखा है। और फिर इसमें मैं जो टिफ़िन है उसको डाल रही हूँ। टिफ़िन का जो पानी है वो टिफ़िन के आधा तक आना चाहिए, वरना अच्छे से स्टीम नहीं होगा। इसे मैं 15 मिनट्स के लिए स्टीम करूँगी और स्टीम आपको मीडियम फ्लेम में करना है। 15 मिनट जब हो जाएंगे तब आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे स्टैंडिंग टाइम में रख सकते हैं। और उसके बाद हमारा भापा हिलसा बिल्कुल रेडी है। आप इसे राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे फटाफट से प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे यहाँ पे सर्व कर लिया है। इसे आप घर पे बना के ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन, बाय।